नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल उत्थान द राइजिंग में। हम लोगों ने पिछले सेशन में डॉक्टर्स के बारे में चर्चा शुरू की थी, जहां पर एक सेशन था डॉक्टर्स से संबंधित शब्दों की कहानी के बारे में, उनके आइडियाज के बारे में, और दूसरे सेशन में हम लोगों ने दो एक्सपर्ट की बात की थी, एक गायनेकोलॉजिस्ट और दूसरा ऑब्स्टेट्रिशियन। मैं आशा करता हूं कि आप पिछले सेशंस को देख करके और तब तैयार हैं अभी सेशन के लिए। आप सेशन दर सेशन जुड़ते चले, क्योंकि अचानक आप जब बीच में आएंगे, पिछला सेशन आपने ध्यान से नहीं देखा है तो शायद आगे की बातें समझ में ना आए। इसलिए चलिए एक नए डॉक्टर की बात करते हैं। तो हमने जो लिस्ट लिखी थी, एक लिस्ट बनाई थी कि ये 9 डॉक्टर्स हैं जिनको पढ़ना है, जिसमें से हमने गायनेकोलॉजिस्ट को देख लिया और ऑब्स्टेट्रिशियन को देख लिया, है ना। आइए आज के डॉक्टर साहब की बात करते हैं। अब जो अगले डॉक्टर साहब हैं वो हैं PAEDIATRICIAN, पीडियाट्रिशियन। क्या पढ़ते हैं इसको? पीडियाट्रिशियन ना? अब ये है कौन? तो ये साहब हैं जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, बात हुई थी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं। लेकिन हम माने क्यों? ये शब्द बच्चों के डॉक्टर के लिए प्रयोग होता है, इसको आइए प्रूफ कर लेते हैं इसके रूट्स को देख करके। तो इसको तोड़ दीजिए। तो ये कहता है कि मेरा जन्म ग्रीक भाषा से हुआ। ग्रीक भाषा में एक वर्ड है PAIDOS, पेडॉस, और पेडॉस का मतलब होता है चाइल्ड, बच्चा। इसमें दूसरा शब्द है वो है ATREIA, आइट्रियम, इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट अथवा मेडिकल हीलिंग। मेडिकल हीलिंग, हील शब्द ध्यान रखिएगा। एक ये भी हील है साहब, इस हील का मतलब हमारी आपकी एड़ी, जूते की तली। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो हील है इसका मतलब एड़ी होता है, तली होता है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मैं कर रहा हूँ HEAL, हील। हील का मतलब इलाज करना, जख्मों का भरना, स्वस्थ होना। तो कहते हैं ना कि उसका घाव धीरे धीरे हील हो रहा है, मतलब भर रहा है, ये वाला हीलिंग। तो उसी का यहाँ पे प्रयोग किया गया। देखिए, मेडिकल हीलिंग मतलब चिकित्सीय उपचार। आइट्रिया, ग्रीक भाषा का शब्द आइट्रिया, जिसका मतलब होता है ट्रीटमेंट या चिकित्सीय उपचार। और तीसरा शब्द जो इसमें लगा है साहब वो है ईसन। ईसन का मतलब होता है एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। तो क्या अर्थ निकला? ये शब्द खुद ही साबित कर दिया मेरा मतलब क्या है। बच्चों के इलाज का एक्सपर्ट पीडियाट्रिशियन। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, इसके रूट वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, ये सब आपसे पूछे जाएंगे बार बार। अब एक्सपर्ट आपके सामने है, बच्चों का डॉक्टर, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि पीडियाट्रिशियन किसे कहेंगे? तो इस तरह से पीडियाट्रिशियन को अगर हम वर्ड्स में ढाले तो इसका मतलब क्या हुआ कि हु ट्रीट्स द चाइल्ड हुड मैलेडीज, हु ट्रीट्स द चाइल्ड हुड मैलेडीज, जो बचपन की बीमारियों का इलाज करता है। छोटे पर बच्चों को हुफिंग कफ ना, मम्प्स या चिकन पॉक्स, खसरा, गलफुल्ली, गलसुआ आदि बीमारियां जो होती थी, डायरिया हो जाती है बच्चों को जो है ना, उनका इलाज करने वाला जो एक्सपर्ट होता है, 0 से लेकर 13 वर्ष की अवस्था तक का जो डॉक्टर होता है वो कौन होता है? पीडियाट्रिशियन। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है मैलेडीज, तो जो ये पोर्टल है सिंगुलर में इसको लिखा तो क्या होगा? मैलेडी। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, मैलेडी मीन्स डिजीज, बीमारी, ध्यान रखिएगा।
मैलडी मीन्स बीमारी, डिजीज, तो मैलडी का प्लूरल बना है मैलडीज। इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो जो बचपन की बीमारियों का इलाज करता है उसे हम पेडियाट्रिशियन कहते हैं। इनसे जुड़े इन रूट वर्ड्स को याद रखिएगा। अब जाहिर सी बात है कि जब इसकी बात हो गई तो फिर इस एक्सपर्ट की स्पेशलिटी क्या होगी, इससे जुड़े हुए एडजेक्टिव्स क्या बनेंगे, जरा उनको भी देख लिया जाए। तो जब पीडियाट्रिशियन एक्सपर्ट है तो इसकी स्पेशलिटी क्या कहलाएगी, PAEDIATRICS, पीडियाट्रिक्स। क्या कहलाएगी, पीडियाट्रिक्स, ये उसकी स्पेशलिटी है, ये साइंस है। एक पीडियाट्रिशियन स्टडी करता है, एक्सपर्ट होता है किसका, पीडियाट्रिक्स का। इफ यू आर अ पीडियाट्रिशियन यू विल ट्रीट चाइल्डहुड मेलेडीज और डिजीजेस एंड यू विल बी एन एक्सपर्ट ऑफ पीडियाट्रिक्स। दिस इज द साइंस विच टेल्स अस द वेज टू ट्रीट चाइल्डहुड मेलेडीज। ओके, एंड व्हाट वुड बी द एडजेक्टिव, PAEDIATRICS, पीडियाट्रिक। क्या होगा, पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स, मतलब बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं। तो पीडियाट्रिक एडजेक्टिव है, पीडियाट्रिक्स स्पेशलिटी है और पीडियाट्रिशियन एक्सपर्ट है। ये नाउन, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये कॉमन नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन और ये एडजेक्टिव, है ना। जो साइंसेज होते हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। तो इफ योर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अ पीडियाट्रिक प्रॉब्लम यू विल गो टू अ पीडियाट्रिशियन एंड ही विल ट्रीट योर चाइल्ड बाय लर्निंग द पीडियाट्रिक्स। इन शब्दों का प्रयोग ध्यान से, किसका प्रयोग कहां करेंगे। अब देखिए जरा, आपने बच्चों के डॉक्टर को तो देख लिया, किनसे क्या क्या चीजें बनती हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड और कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। आपने कहा पेडोस आया, इस पेडोस से पीडियाट्रिशियन बना, इस पेडोट से पीडियाट्रिक्स बना, इसी पेडोस से पीडियाट्रिक बना। इन सब का संबंध बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर से है, ये क्लियर हो गया। लेकिन हमें जो रूट वर्ड मिला है दोस्त, पेडोस, जिसका मतलब होता है चाइल्ड, इस पेडोस से इंग्लिश में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनता है, एक वर्ड बनता है, नॉट सब्जेक्ट, एक वर्ड बनता है जो सब्जेक्ट होता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो नया वर्ड बनता है इस वर्ड में, यहां पर देखिए पेडोस में पी ए आई है, और जब आप इसको इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये पी ए आई पी ए ई में बदल रहा है। आपने स्पेलिंग पे ध्यान दिया, पीडियाट्रिक्स की स्पेलिंग, पीडियाट्रिशियन की स्पेलिंग क्या है, पी ए ई, और जो रूट वर्ड उसमें स्पेलिंग क्या है, पी ए आई। दिस आई बिकम्स ई इन इंग्लिश वर्ड्स, ये आप अभी देख चुके हैं, सामने अभी गुजरा है। अब इसी पेडोस से एक शब्द बना, पी ई डी ए जी ओ जी वाई, पेडागोजी। क्या बना, पेडागोजी। जय स्पेलिंग पे ध्यान दें साहब, यहां पर ई भी गायब हो गया। हम जब ग्रीक से इंग्लिश में लेके आते हैं तो ए के बाद आई ई में बदलता है, पिछले वर्ड्स में आपने देखा। और फिर इससे ये जो शब्द बनता है पेडागोजी, इसमें ध्यान से देखिए तो ए भी गायब हो गया, केवल ई है, अब ये पेड हो गया, लेकिन है ये पेडोस से ही निकला हुआ, उसी रूट का वर्ड है, ए को हटा दिया जाता है। अब पेडागोजी को आप जाकर अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो इसका मतलब क्या लिखा होगा कि द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण सिद्धांत, अर्थात यह एक विज्ञान है जो हमें बताता है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, हाउ अ टीचर शुड टीच हिज स्टूडेंट्स।
उन सिद्धांतों को आप अगर बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, डीएलएड करते हैं, शिक्षक बनने की आपकी इच्छा है तो आप वहाँ पेडागॉजी को पढ़ते हैं। बहुत लोग इसको पेडालॉजी गलत इन्फॉर्मेशन दिमाग में, इट्स नॉट लॉजी, इट्स गॉजी, पेडागॉजी, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षा मनोविज्ञान में आप पेडागॉजी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका डिक्शनरी मीनिंग है द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण सिद्धांत, पढ़ाने के तरीके, नियम, सिद्धांत, ठीक है। लेकिन जरा इसको तोड़ा जाए, इसकी एटिमोलॉजी को देखा जाए, तो इसमें पहला शब्द है पेडॉस, पेडॉस मीन्स चाइल्ड, और इसमें दूसरा शब्द है साहब एगोगॉज, एगोगॉज, ये सब ग्रीक भाषा के शब्द है, एगोगॉज मीन्स टू लीड, नेतृत्व करना। तो फिर इस शब्द को जब तोड़ा गया, अब देखिए इसके डिक्शनरी मीनिंग है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, या तरीके, नियम जो भी होते हैं, मेथड्स, प्रिंसिपल्स अथवा मेथड्स, जो भी कहना हो, मेथड्स ऑफ टीचिंग या प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, दोनों का इसका मतलब हो सकता है। बट व्हेन यू गो थ्रू द एटिमोलॉजी यू फाइंड दिस वर्ड हैज बीन मेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पेडॉस एंड एगोगॉस, चाइल्ड एंड टू लीड, बच्चे का नेतृत्व करना। तो बच्चे को का नेतृत्व करना, तो सवाल उठता है कि बच्चे का नेतृत्व करना ही तो उसको पढ़ाना है भाई। जो छोटा बच्चा होता है वो खुद निर्णय नहीं ले पाता, इवन उसे कितना खाना है, क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, वो नहीं जानता। तो एजुकेशन की परिभाषा ही मिलती है कि बच्चे को इस तरह से ढालना, उसको इस तरह से तैयार करना, इस तरह से लीड करना कि वह उस संस्कृति, उस समाज, उस राष्ट्र का हिस्सा बन सके, उसमें अपने को एडजस्ट कर सके, उसके अनुरूप ढल सके जिसमें उसका जन्म हुआ है। यही शिक्षा का उद्देश्य है। किस तरह से टू माउल्ड द चाइल्ड इन सच अ वे दैट ही फाइंड्स हिमसेल्फ, ही फील्स हिमसेल्फ कंफर्टेबल इन दैट कल्चर सोसाइटी ही हैज बॉर्न इन। ये एजुकेशन की परिभाषा कह लीजिए या एजुकेशन का लक्ष्य कह लीजिए। तो ये जो बच्चा है, जो पेडागॉजी है, वो सिखाती है कि आप बच्चे को लीड कैसे करेंगे, अर्थात उसे टीच कैसे करेंगे। लीड करना मतलब टीच करना, हम लोगों को देख के सीखते हैं, अपने आगे चलने वाले अपने नेतृत्वकर्ता को देख के सीखते हैं। सवाल होता है कि बच्चा क्या सीखता है। तो साहब बच्चे का फूड कैसा होगा, ये कौन तय करता है? घर के बड़े बुजुर्ग, माँ बाप, और थोड़ा सा जब 5 वर्ष का हो जाता है तो स्कूल जाता है तो टीचर। शुरुआत होती है मम्मी पापा से उसको सिखाने की, घर के बड़े बुजुर्गों से, दादा दादियों से, और जब वो बड़ा होता है तो विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है, तो फिर उसको लीड कौन करता है? उसका टीचर। इसीलिए माँ को पहली शिक्षिका और घर को प्रथम पाठशाला कहा गया। पहले वो घर पर सीखता है, क्या सीखता है कि उसका फूड कैसा होगा, उसका उसका डेवलपमेंट कैसा होगा। अब देखिए डेवलपमेंट मीन्स मानसिक विकास, और उसका ग्रोथ कैसा होगा, तो ग्रोथ मीन्स उसका शारीरिक विकास। तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास को लीड करते हैं घर के लोग और स्कूल में टीचर, क्योंकि वो खुद निर्णय लेने की अवस्था में नहीं होता। पेडागॉजी यही सिखाती है। अब उसका उसकी उसका फूड, उसका एजुकेशन, ठीक है, उसका बिहेवियर, ठीक, उसके अंदर आने वाले मैनर्स, ये सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं किसके द्वारा, घर में गाइडेंस के द्वारा, स्कूल में टीचर्स के द्वारा। यही चीज पेडागॉजी सिखाती है, उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ, मानसिक और शारीरिक विकास। और इस करने के लिए, उसका मानसिक और शारीरिक विकास ठीक होने के लिए, उसका भोजन, उसकी शिक्षा, उसका आचरण, उसका सामाजिक और पारिवारिक व्यवहार दुरुस्त होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें पेडागॉजी में पढ़ाई जाती हैं। आप बताओ तो ये सब टीचिंग के प्रिंसिपल हुए कि नहीं हुए? तो ये देखिए, आप जब इसको डिक्शनरी में देखेंगे तो ये मीनिंग मिलेगा, तोड़ेंगे तो ये मीनिंग मिलेगा, दोनों एक ही चीज़ है। हम लीड करते हैं बच्चों को, इसलिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो आया मिड डे मील,
ये इसी का हिस्सा है कि बच्चा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। इसीलिए मिड डे मील की बात आई, उसके लक्ष्य बड़े अच्छे हैं, अब वो कितना इम्प्लीमेंट होता वो अलग बात है, ठीक है। तो ये पैडागॉजी में है। अब देखिए तो पैडागॉजी क्या है, वह विज्ञान है, वह सिद्धांत है जो बच्चों को शिक्षित करने, उन्हें निर्मित करने, उन्हें डिवेलप करने, उन्हें ग्रो करने में हेल्प करता है। और ये बच्चा कहाँ सीखता है, तो अपने परिवार में और अपने विद्यालयों में, ओके। यही है पैडागॉजी, ध्यान दीजिएगा। अब पैडागॉजी है तो फिर पैडागॉजी को जानने वाला भी कोई होगा, तो इसको जानने वाला जो एक्सपर्ट होता है वो होता है PEDAGOGUE, पैडागॉग। क्या लिखा है मैंने, PEDAGOGUE, पैडागॉग। तो पैडागॉग का मतलब एन एक्सपर्ट ऑफ पैडागॉजी, जो पैडागॉजी का एक्सपर्ट है वो पैडागॉग है। अब पैडागॉजी का मतलब क्या था, टीचिंग ना, तो फिर पैडागॉग जब एक्सपर्ट है पैडागॉजी का तो पैडागॉग कौन होगा, टीचर, ऐसी बात है। लेकिन ध्यान से, पैडागॉग का असली मीनिंग टीचर है, क्योंकि पैडागॉजी मतलब टीचिंग, तो पैडागॉग मीन्स टीचर विदाउट एनी डाउट। बट दिस वर्ड इज एन ऑफेंसिव वर्ड नाउअडेज, आजकल ये वर्ड ऑफेंसिव है, इसका प्रयोग पॉजिटिव सेंस में नहीं होता, ये नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि समय के साथ पैडागॉग शब्द का प्रयोग उस टीचर के लिए किया जाने लगा जो अंधविश्वासी है, रूढ़िवादी है, जो समय के साथ बदलते हुए विचारों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, डॉगमेटिक है ना, जो धर्म और रूढ़ की शिक्षा देता है, जो रूढ़ चीजों को ही मानता है, जो अति पारंपरिक है, जो समय के साथ बदलाव को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उसे हम पैडागॉग कहते हैं। अर्थात पैडागॉग का प्रयोग उन शिक्षकों के लिए किया जाएगा जो बदलते समाज की आवश्यकताओं को समझने को तैयार नहीं है, जो अपने विचारों को लेकर अत्यंत रूढ़िवादी है, जो जाति धर्म की शिक्षा देकर समाज में बच्चों को मिसगाइड करते हैं, उन्हें पैडागॉग कहा जाता है। सो इट्स नॉट अ गुड वर्ड, सो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस, ओके। इट मीन्स टीचर बट नॉट एन एक्सपोर्ट टीचर, नॉट अ गुड टीचर, पैडागॉग इज अ बैड टीचर इन शॉर्ट, ओके। तो इसी पैडा से पैडागॉजी बना, पैडागॉग बना, तो इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, पैडागॉगिक, PEDAGOGIC, पैडागॉजिक एडजेक्टिव हो गया, ओके। तो पैडागॉजिक, पैडागॉग और पैडागॉजी, ये भी पैडास से निकले। ध्यान क्या रखना है कि इसमें ए मिसिंग है, इसमें केवल ई आता है, ए नहीं आता, ओके। अब देखिए इससे जुड़ी एक छोटी सी बात आपको और समझनी है कि आप ये जो पैड देख रहे हैं ना, ये जो पैड PED, तो यहां एक खतरा है। क्या खतरा है, कि कुछ अंग्रेजी में शब्द और हैं जिनमें पैड शब्द मिलता है और आप उनको इसी जाति का समझकर ये गलती कर सकते हैं। तो आइए जरा उन शब्दों को भी यहीं देख लिया जाए, ताकि आपके दिमाग में एक बेहतर पिक्चर बने और आप शब्दों का ठीक से प्रयोग करें। देखिए आपको इंग्लिश में कुछ शब्द मिले से PEDAL, पेडल, PEDESTAL, पेडेस्टल, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन। अब ये शब्द आपके सामने हैं, इनमें भी देखिए पैड पैड पैड, इनको देखते ही शायद आपके दिमाग में कंफ्यूजन आए, ये भ्रम आए कि ये भी पैडॉस से बने हैं। बट सॉरी, इन शब्दों का संबंध पैडॉस से नहीं है, इन तीनों शब्दों का जन्म दोस्त लैटिन भाषा से हुआ। लैटिन भाषा का शब्द है
पैड अथवा पैडिस, पैड अथवा पैडिस जिसका मतलब होता है फुट, पैर। इन सभी का संबंध पैर से है। पैडल, वह जो पैरों से चलाया जाता है, साइकिल का पैडल या कार में गैस पैडल, ब्रेक पैडल, आप गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, रोकने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, एवरीथिंग विच इज ऑपरेटेड बाय फुट, जो पैरों से इस्तेमाल होता है उसे हम पैडल कहते हैं। इज दैट क्लियर? पेडेस्टल, ये एक चबूतरा है, एक आधार है, बेस है। आपने देखा होगा आपके शहर में तमाम स्टैच्यूज होती हैं, मूर्तियां होती हैं बड़े बड़े महापुरुषों की, जैसे सरदार पटेल की मूर्ति ना, वो मूर्ति जिस चबूतरे पर रखी जाती है उसे पेडेस्टल कहते हैं। जो कॉलम बनता है किसी स्टैचू को रखने के लिए, जो कॉलम बनाया जाता है, जो चबूतरा बनाया जाता है जिस पर वो मूर्ति खड़ी होती है, तो मूर्ति खड़ी होती है तो उस मूर्ति पे क्या खड़े होते हैं? मूर्ति के पैर, उसका पैड, पैर खड़ा होता है, उसे पेडेस्टल कहते हैं, जिस पर स्टैचू रखा जाता हो। और पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाले, जो पैरों से चलते हैं, ठीक है, उन्हें पेडेस्ट्रियन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पेडेस्ट्रियन शब्द का प्रयोग हम उन लोगों के लिए भी करते हैं फिगरेटिवली जो संकीर्ण सोच के होते हैं, बहुत सामान्य सोच के होते हैं। पेडेस्ट्रियन माइंड का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच बहुत संकुचित है, जो बहुत ही सीमित सोचता है, स्वार्थी मन का है, जिसके अंदर फ्रेश थॉट्स नहीं है, वो भी पेडेस्ट्रियन है। और जो पैदल चलते हैं वो भी पेडेस्ट्रियन है। जब पेडेस्ट्रियन का प्रयोग आप पैदल चलने के लिए करेंगे तो ये नाउन है, और जब पेडेस्ट्रियन का प्रयोग आप पेडेस्ट्रियन माइंड कहते हैं तो ये एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, ऐसी कहानी, ऐसी फिल्म जिसकी स्क्रिप्ट बहुत बोरिंग है, जिसको देख करके आप बोर होते हैं, आपको खुशी नहीं होती, आप परेशान होते हैं, वैसे लिटरेचर को, वैसी मूवी को भी हम पेडेस्ट्रियन कहते हैं। कोई फिल्म आप देख कर आए, अरे यार बहुत बोरिंग थी, बेकार थी, कुछ नया नहीं था, सब पुरानी बातें ही थी, तो उस फिल्म कैसी थी? पेडेस्ट्रियन थी। आपने कोई कहानी पढ़ी, पढ़ के अरे यार मजा नहीं था, कहानी पढ़ने में मजा नहीं आया, बहुत बोरिंग कहानी थी, कहानी कैसी थी? पेडेस्ट्रियन। कोई आदमी है जो हमेशा दकियानुसी, संकुचित, छोटी बातें करता है, आप उससे मिलना नहीं चाहते, तो आप क्या कहोगे? ही इज अ पेडेस्ट्रियन माइंड, मतलब उसकी सोच बहुत छोटी है, संकुचित है। और पैदल चलने वाले भी क्या है? पेडेस्ट्रियन है। तो ध्यान रखिएगा, पैडल, पेडेस्टल, पेडेस्ट्रियन, पैर से चलने वाला पैडल, जिस पर मूर्ति रखी जाए पेडेस्ट्रियन, और जो पैदल चले या छोटा सोचे वो पेडेस्ट्रियन। इज दैट क्लियर? इन तीनों का जन्म लैटिन भाषा के पैड या पैडिस से हुआ, इसका पेडॉस से कोई संबंध नहीं है, यद्यपि स्पेलिंग में समानता है ना, तो इनको संभालिएगा। आपने डॉक्टर पेडियाट्रिशियन को देखा, पेडियाट्रिशियन के देखते ही आपके दिमाग में तमाम शब्द आए। हमने सबको करीने से रखा, सेशन को बहुत ध्यान से देखिए, कहीं कोई चीज प्रॉब्लम है, कम समझ में आई हो, मैंने जल्दी बता दिया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपके सामने हाजिर हूं उसका जवाब देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।